कहीं 400 तो कहीं 50 रुपए में बिक रहा डिप्टी सीएम का फरमान। डिप्टी सीएम का फरमान मुफ्त करो इंतजाम, डॉक्टर ले रहे खुल्लम खुल्ला दाम। बुंदेलखंड में 400 तो अवध क्षेत्र में 100 से 50 में बिक रहा छापामार मंत्री का फरमान। उत्तर प्रदेश के छापामार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का फरमान, अवध इलाके में 100 से 50 और बुंदेलखंड में 400 से 500 रुपए में बेचा जा रहा है। डिप्टी सीएम का फरमान है कि पूरे प्रदेश में कुत्तों का शिकार हुए मरीजों का मुफ्त इलाज होना चाहिए, लेकिन सरकारी अस्पतालों में मरीजों से रेबीज इंजेक्शन के लिए रिश्वत ली जा रही है। कुछ दिनों पहले महोबा जनपद के दुलारा प्राथमिक केंद्र में रेबीज इंजेक्शन के लिए 400 रुपए रिश्वत मांगने की बात सामने आई थी, और अब सुल्तानपुर जनपद में तो रेबीज इंजेक्शन के लिए 500 रुपए लेते हुए वीडियो ही वायरल हो गया, जिसके बाद सरकारी स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और रिश्वत लेने वाले साहब निपटा दिए गए। दरअसल रिश्वतखोरी का ये वायरल वीडियो है सुल्तानपुर जनपद के मोतीगरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां फार्मासिस्ट कमलेश्वर पांडे रेबीज का इंजेक्शन 50-50 रुपए में बेचते हुए मोबाइल में कैद हो गए। बवाल तब और बढ़ गया जब रिश्वतखोरी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। वीडियो में फार्मासिस्ट कमलेश्वर पांडे मुस्कुराकर नोट ले रहा है, यानी रिश्वतखोरी में भी बेशर्मी नजर आ रही है। फिलहाल सीएमओ ने आरोपी फार्मासिस्ट कमलेश्वर पांडे को अपने कार्यालय से अटैच कर दिया है। अधीक्षक को भी मोतीगरपुर से हटा दिया गया। सीएमओ डॉक्टर ओम प्रकाश चौधरी ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। जांच कमेटी में एसीएमओ डॉक्टर राधा वल्लभ, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर लालजी और एओ योगेंद्र सिंह है। आपको बता दें कि हाल ही में महोबा जनपद के दुलारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रिश्वतखोरी का ऐसा ही मामला प्रकाश में आया था। डॉक्टर ने एक महिला से 500 रुपए वसूल कर बुजुर्ग महिला को रेबीज का इंजेक्शन लगाया था। बुजुर्ग महिला के पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने दामाद को बुलाकर 400 रुपया लिया और डॉक्टर को सुविधा शुल्क दिया, तब उसका इलाज हुआ। सुल्तानपुर में तो कार्रवाई हो गई, वहीं महोबा में कार्रवाई नहीं हुई है। अब सवाल है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुफ्त इलाज का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन उनके कर्मचारी उनकी बात को सीरियस नहीं ले रहे। सुल्तानपुर से निसार अहमद की रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।